जो इस तरह से उभर के आया है उसकी वजह से एक्टर्स को इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टू हैव लेजेंड्स अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के जगजीत जी गुलजार साहब आशा जी विनोद खन्ना साहब आपके फेवरेट रहे हैं अगर <laughs> <laughs> आपको ये सब कैसे पता फैन ऑफ विनोद खन्ना जी जब मैं छोटी uh, गिटार पिकअप किए तो बहुत साल हो गए बट यू नो आपने अगेन यू आर वेरी इंटूटिव आप कैसे ये पिकअप कर रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ पिकिंग अप माय गिटार अगेन सो आई विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ वंडरफुली हैप्पी न्यू ईयर नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरभ शर्मा आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन दोस्तों आज मैं सर एक ऐसी अभिनेत्री है सिर्फ वही अभिनेत्री है जिन्होंने एम ए वार्ड्स को न्यूयॉर्क में प्रेजेंट किया था और आज मुझे मौका मिला है उनको प्रेजेंट करने का सिमोन बहुत बहुत भो स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका थैंक यू सो मच नाइस टू सी यू मैम वैन यू से यू द ओनली एक्ट्रेस टू प्रेजेंट एम ए वार्ड्स इन न्यूयॉर्क और जब वो लिखा जाता है uh, कोरे कागज़ पर आपकी जिंदगी के कि दिस इज वॉट यू द फर्स्ट वन लगता है कि ये वो आपकी जिंदगी में एक चीज़ अमर हो गई है मैं यू you नो know, उस तरह से सोचती नहीं हूँ जो हो गया जो कर दिया वो रह गया आई डोंट मेक इट यू नो समथिंग बिग इन माई हेड इट वॉज सर्टनली यू नो क्वाइट अ प्रेस्टिजियस थिंग टू बी द फर्स्ट वन टू बी इन्वाइटेड बट वन मस्ट वे वाइटलीस कॉन्ग्रेचुलेट फॉर वन थिंगी सेवन ईयर्स दिस इंडस्ट्री

हीन, से पह, हीना से, से पहले आई एम नॉट एबल टू रिकॉल लेकिन जो जहन में मेरे बस गया वो हीना से बस गया और हीना जो आज भी मेरे जहन में अमर है हम बहुत छोटे हुआ करते थे हम देखते थे बट शी इज़ नॉट माई स्टडी शी इज वेरी प्रिटी राइट डाउन ऑल्सो मैम जब आप अपने करेक्टर्स को लेते हैं बिकॉज आपका हर करेक्टर अमर है हम याद है मुझे हीना से लेके बहुत सारे ऐसे शोज थे अब मजामा आपकी मूवी आई एंड इट्स अ सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन डबल 2022 ट्वेंटी uh, आगे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फिर और सरप्राइज करने वाले आप हमें अभी यू uh, नो you know, ये वेब स्पेस जो uh, इस तरह से उभर के आया है उसकी वजह से एक्टर्स को इतने अच्छे ऑपरचुनिटीज मिलते हैं जो पहले uh, एक रोल अगर हिट हो गई उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग का प्रॉब्लम हुआ करता था तो यू नो सोचना पड़ता था सेम रोल तो नहीं करना है यू नो हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ डिफरेंटली आज कल इतने अलग अलग किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं फॉर देट आई थिंक वे आर ऑल वेरी ग्रेटफुल आई एम सर्टनली वेरी ग्रेटफुल कि अलग किरदार निभाने को मिले तो अपनी रेंज शो केस कर सकता है कोई एंड सो आई एम वर्किंग क्वाइट अ लॉट इन द वेब स्पेस टेलीविजन में मैंने अपनी शुरुआत की थी वो भी आई एम ओपन टू गुड प्रोजेक्ट्स बट उसमें बहुत टाइम चला जाता है वेब सीरीज़ में यू नो यू गैट टू एक्सप्लोर वंडरफुल स्टोरी टेलिंग अलग किस्म के स्टोरीज कैरेक्टर्स सब दर्शाने को मिलता है सो आई एम वर्किंग मेनली इन दैब स्पेस अभी आई एम अभी शूट कर रही हूँ uh, एक एडेप्टेशन वेब सीरीज़ के लिए एंड देन द मूवीज़ आर आर ऑन गोइंग एज वेल मैम आप एक चीज़ में और लकी रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं जगजीत साहब गुलजार साहब आशा जी आप सबका पार्ट रहे हैं और ये एक कुछ लोग करके भी इंडस्ट्री में होते हुए भी इन लोगों का हिस्सा नहीं बन पाते बट यू गॉट जट चांस टू डू दैट आपको लगता है कि ये आशा जी जगजीत जी और इस सब के साथ कैसी यादें हैं अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाए बिकॉज वो यादें हमारी आज की जनरेशन भी जानना चाहती है ये आपने यू you नो know, बहुत ही अमेजिंग बात कह दी बिकॉज इट्स ट्रू जब जहाँ अभी मैंने बोला यू नो यू मस्ट वे योर अचीवमेंट्स लाइटली मैं कुछ अपने दिमाग में बहुत बड़ा नहीं बना लेती हूँ ह्यूमिलिटी इज अ गुड क्वालिटी बट टू हैव वर्क विद एब्सल्यूट लेजें अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के जगजीत जी गुलजार साहब आशा जी अवीन I mean, इनके साथ यू नो एन बहुत uh, मेरे करियर की शुरुआत में उनके साथ काम करने का मौका मिला इट इज़ ऑबियसली अ ग्रेट थ्रिल एंड अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मे देखिए शाहरुख खान के सभी फैन हैं और उनमें से एक सिमोन भी है लेकिन शाहरुख साहब के साथ साथ विनोद खन्ना साहब और रसल क्रो रसल क्रो तो हम पूछे कि लेकिन विनोद खन्ना साहब आपके फेवरेट रहे हैं अगर <laughs> आपको ये सब कैसे पता <laughs> अगर यू टेल समथिंग अबाउट विनोद खन्ना साहब बिकॉज ही इज अ लेजेंड एज वेल जब हम जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे तो फिल्में कम देखते थे हम एक्चुअली हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखते थे बट मैंने उनकी कोई फिल्म देखी होगी नाम भी नहीं पता था बट मुझे याद था दिस दिज इज वंडरफुली हैंडसम मैन कौन है नाम नहीं पता था देन वन ही केम बैक अमेरिका से जब वापस आया like, यही तो है वो अ बिग फैन ऑफ विनोद खन्ना जी जब मैं uh, छोटी थी या uh, yeah, yeah. Uh, uh, your... uh, 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 मैम हमारा एक चैनल है और जमशेदपुर के लोगों के लिए बिकॉज यूर बॉर्ड एंड इन जमशेदपुर को एक एक ऐसी यादें उन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू वो ढूंढते हैं वो हीरे जो जमशेदपुर के हैं और वहाँ से जुड़े हुए हैं आपका जमशेदपुर का एक खास चैनल है आपका जमशेदपुर में तो मैं पली बड़ी हूँ हूँ तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मायने रखता है जमशेदपुर मैं छोटी थी जब हम जमशेदपुर से बेंगलोर चले गए बट यादें तो बहुत है स्कूल मैंने वहाँ पे किया था इनफैक्ट अभी मेरे बर्थडे पे एक और जो बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री में है एंड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी यू नो बहुत बड़े हैं वो भी जमशेदपुर से हैं वो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो आए थे मेरे बर्थडे में माधवन आप जानते होंगे तो आई नो जमशेदपुर वालों को बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ से कोई निकल के यू नो कुछ बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं लोगों के इन अदर फील्ड्स आल्सो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बट एक्टिंग के लिए आई थिंक लोगों का थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट होता है तो देख देख इट्स वेरी हैप्पी या अच्छा सिमोन सिंह एक कलाकार हैं वो सभी जानते हैं लिखे उनके अंदर कितने कलाकार हैं ये कोई नहीं जानता लेकिन मैं आपको दादू शीजा ट्रेंड कथक डांसर और गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हैं शायद कम ही आपने वीडियोस देखे होंगे सिमोन के गिटार बजाते हुए गिटार पिकअप किए तो बहुत साल हो गए बट यू नो आपने अगेन यू आर वेरी इंटोएटिव आप कैसे ये पिकअप कर रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ पिकिंग अप माय गिटार अगेन बहुत साल हो गए गिटार नहीं बजाया बट अभी आई एम थिंकिंग इन द न्यू ईयर मैं फिर से स्टार्ट करूँगी uh, कथक भी येस आई एम अ क्लासिकली ट्रेंड डांसर आई होप आई गेट यू अपॉर्चुनिटी टू शो माई कथक स्किल सम सो so, uh, 2023 अभी बहुत पास है सो आर प्लानिंग फॉर गोवा न्यूयॉर्क और यूरोप इस साल हम uh, इंडिया में ही रहेंगे uh, मैम अभी देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आए uh, गृहणी हम जिन्हें कहते हैं कि वो uh, एक सपने लेती है शायद आ, उनके सपने कई छोटे हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं शादी के बाद बट ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इनके लिए आ रहे हैं उत, और उनको चेयर अप कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बिकॉज़ क्योंकि हम आ, और हमने अभी डबल एक्सेल देखी वो भी चेयरअप था देखी कि लोगों को सामने आना चाहिए कॉन्फिडेंटली आना चाहिए और जैसे भी हैं उनको ऑरिजिनल रहें खुश रहना चाहिए और इन घर के लिए क्या करना चाहेंगे क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी स्टेज चीज़ पर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी एंड आई हैव टू से ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है यू नो इट्स रियली इंस्पायरिंग टू सी आप कह रहे हैं गृहिणी जो जिनके बैकग्राउंड में इस तरह का एक्सपोजर का यू you नो know, उन्हें शायद मौक़ा नहीं मिलता उनको ये एक्सपीरियंस um, मिलना उनके लिए आई एम श्योर काफ़ी लाइफ चेंजिंग बात होगी तो ये बहुत अच्छी बात है एंड एज़ यू सेड स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंटली यू नो इस तरह के Uh, hair makeup outfits pehen ke nervous na hona you know putting your best foot forward it's very very inspiring and uh, i feel so deeply proud to see these ladies अलग बैकग्राउंड से हैं उनका कोई शो बिज़नेस में बैकग्राउंड नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस तरह के का यू नो एक्सपोजर गेन करने का एंड दे कम विद सच सिंसेरिटी इतना हार्ड वर्क और कमिटमेंट लेके आती हैं टू पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट इट्स रियली इंस्पायरिंग अच्छा मैम एक चीज़ आ, देखो, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप जज करते हैं मैं देखता हूँ कई बार टिक 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 रॉन्ग 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 टिक 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 लेकिन वट सबसे पहली चीज़ आप मिसिज में ऑन स्टेज क्या देखते हैं कि जो आपको बहुत इम्प्रेस करता है आई थिंक कैरेज जो इंसान अपने आप को जिस तरह से कैरी करता है उनका पर्सनैलिटी यू नो दिखे उसमें अपनी पर्सनैलिटी को शोकेस करें बहुत uh, आकलाइट्स में आके दब न जाएँ तो जिनकी पर्सनैलिटी उभर के आती है दे आर द पीपल हु शाइन अच्छा सब कह रहे होंगे कि जब आपके फोर मोर शॉट्स आई है आ, कि आपका सेकंड इनिंग है सेकंड लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सेकंड इनिंग किसकी नहीं होती वो वेलकम बैक किया जाता है और वेलकम बैक जब किया जाता है वो बहुत धमाकेदार होता है और कौन से धमाकेदार शुरुआत आप 2023 में करना चाह रहे हैं बिकॉज आपका तय दिल से इंतज़ार रहता है आज भी हम देखते हैं हीना को कुछ करना चाहिए कशिश को कुछ करना चाहिए जहन में होता है सो आप कौन सा धमाका यो एक छोड़ने वाले 2023 में जो आपका एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा आपके फैंस को तो मैं यू नो इस मैं आई एम अ वेरी लो की पर्सन मैं बहुत ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें नहीं करती हूँ और uh, काम भी मैं उस हिसाब से करती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम मिले तो आई ऑलवेज बिन मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहती 2000 थाउजेंड बट आई हैव टू से अगेन ये वेब स्पेस ओपनिंग आप मतलब आप Uh, अपनी लाइफ के लिए भी टाइम मिलता है यू नो यू गेट टू डू गुड वर्क सो धमाकेदार तो पता नहीं बट डेफिनेटली uh, दो अलग किस्म के किरदार आएंगे वन ऑफ दम यू नो आई थिंक शायद काफ़ी धमाकेदार रहेगा उस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है यू नो you know, अगर आपने जैसे हीना लोग याद करते हैं उससे इतना अलग कैरेक्टर है ये है ये सो दैट विल बी क्वाइट एक्साइटिंग आई थिंक मैम क्योंकि एक आखिरी सवाल ओ टी प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि शायद स्ट्रगल जो था हम देखते थे कि शायद मूवीज़ में जो जाना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड लीड जो नहीं भी मिल पाता था अब वो मेन लीड में ओ पे आ रहे हैं और उनका टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है सो so, ओ ने आपको लगता है कि स्ट्रगल पीरियड जो स्टार्स का था और मौका देने का काम बहुत किया है कहते ना कि स्टार सिस्टम कोलेब्स हम कह सकते हैं उसमें हो चुका है ओ टी के आने के बाद आई थिंक स्टार्स के लिए तो हमेशा जगह होगी इस दुनिया में बिकॉज वो अपने जो अपना जो ब्रिलियंट स्क्रीन प्रेजेंस लेके आते हैं दैट्स वॉट मेक्स अ स्टार चाहे वो ओ टी टी पे हो या uh, बड़े पर्दे पे हो इट डजेंट मैटर बट डेफिनेटली प्लेइंग फील्ड को थोड़ा लेवल किया गया है इतने सारे यंगस्टर्स जो आते हैं दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स दे वांट टू बी एक्टर्स और उनको अपॉर्चुनिटी पहले मिलते नहीं थे बिकॉज जगह कहाँ थी अभी तो जगह इस तरह से खुल गई है और जितने अपॉर्चुनिटीज़ हों यंगस्टर्स के लिए उतना अच्छा है बिकॉज उतना टैलेंट उभर के आएगा क्रिसमस से नए साल क्या कहना चाहिए बिकॉज डबल सेलिब्रेशंस होता है जब कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए साल की और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप आप भी उनमें से एक है जो हैप्पी एंडिंग के साथ इस साल को बाय बाय कहेंगे व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट क्रिसमस एंड न्यू ईयर आई वॉन्ट टू से ये साल काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आई नो दैट तो इसी प्रार्थना इसी विश इसी होप के साथ ये यू uh, नो you know, साल ख़त्म करते हैं एंड विद न्यू होप विद न्यू जॉय फॉर अ न्यू बिगेनिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एंट्रेंस लगाते हैं सो आई विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ वंडरफुली हैप्पी न्यू ईयर थैंक थैंक यू सो मच जैसे आ, मुस्कुराते उसे मोरने का हम भी ये कहेंगे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जैसे भी आप जीना चाहते अपनी ज़िंदगी को जिए लेकिन मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा न्यूज स्टेशन दिल्ली